अस्सलाम वालेकुम खानेवाल, उम्मीद आप खैर ऑफियत से होंगे और अपने लिए खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार होंगे। नाजरीन, हसन मार्की में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज अलखदमत फाउंडेशन की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया है। जिस हवाले से बात करने के लिए हमारे से मौजूद हैं जनाब माज उज़ैर। सर, क्या कहना चाहेंगे इस आज के फंक्शन के बारे में, प्रोग्राम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अलखदमत फाउंडेशन ज़िला खानेवाल के ज़ेर एहतमाम ये चैरिटी डिनर हर साल रमज़ानुल्मुबारक से पहले किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 252 बच्चे हैं ऑर्फन, जिनकी कफालत अलखिदमत फाउंडेशन कर रही है। महाना 5500 रुपये उनकी वालदा के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, जो तालीमी अखराजात के हवाले से ठीक है। और हमारी कोशिश ये है कि हम अहले खैर जो हैं, मुखय्यर हजरात हैं, उन्हें अपने साथ मिलाएं ताकि वो भी इस सवाब के अंदर शामिल हों। और वो बच्चे जिनके सरों से उनके वालिद का साया छिन गया है, वो लोग, वो बच्चे अपने आप को बेसहारा न समझें, बल्कि मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हों, उन्हें कोई भीख ना दी जाए, बल्कि उन्हें इस काबिल कर दिया जाए कि वो खुद इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा लेने वाले बन जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और आज का जो ये फंक्शन है, इसके बारे से बताइएगा कि कितने की इसकी फ़ीस रखी गई है बच्चों के लिए? ये बच्चों की फ़ीस नहीं है, जो हमारे मेहमान आते हैं जी उनके लिए जो हम इंतज़ाम करते हैं, तो हमारे मेहमान खुद अपनी जेब से अपनी उसकी जेब फीस मतलब अदा कर रहे हैं। हाँ जी, 1000 रुपया एंट्री पास है जी जी, अपनी खुशी से दे रहे, अपनी खुशी से वो दे रहे हैं जी जी। और वो इस बात को समझते हैं कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि देखें ये जो एंट्री पास है, जो अहले खैर हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, उनके ऊपर क्योंकि इस तरह का पैसा नहीं लगता जी जी, जिससे हम यतीम बच्चों की कफालत करते हैं जी जी, तो इसलिए वो अपना बोझ भी खुद उठाते हैं और जो बच्चे हैं उनका बोझ भी वो खुद उठाते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आप बातचीत सुन रहे थे, इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हम सैकड़ों बच्चों को मुफ्त तालीम के लिए, अखराजात के लिए उनको पैसे फराहम करते हैं और वो पैसे लाइन में लग कर नहीं दिए जाते, बल्कि उनके अकाउंट में आते हैं। जब हमने प्रोग्राम से बरकत हो वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिट्टी तैयार की गई है जो आपके सामने पेश की जाएगी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि लाइट्स ऑफ कर दें प्लीज। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान खिदमत इंसानियत में पेश गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हम वतनों की खिदमत का एक रोशन बाब है। गुज़िश्ता 34 वर्षों में कई रोशन संघ भी उभूर कर चुका है। कुदरती आफात और हंगामी हालात में अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकार इंतहाई तेजी के साथ लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जानें बचाने के बाद रिलीफ सरगर्मियां शुरू कर देते हैं। साहब ने जो अहमियत कायम की है उनकी छुट्टी के सफर से निकलना हमारा मुश्किल है। मदद खातिम हजरा, बचपन से चंद अशार जो हम मुसलसल सुनते आए, लेकिन उसका अबू मैं चाहता जी। हसन मार्की खानेवाल में आज मैं मौजूद था जहां पर अलखदमत फाउंडेशन की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया था। आज की ये वीडियो हफीज़ बुक सेंटर के तआवुन से आप तक पहुंचाई गई। हफीज़ बुक सेंटर
किताब कागज़ स्टेशनरी और प्रिंटिंग का वाहिद नाम ज़िला खानेवाल में हफीज़ बुक सेंटर खानेवाल। हफीज़ बुक सेंटर का नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो हफीज़ बुक सेंटर के सामने दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमें इजाज़त दीजिए, कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, आजकल टीवी खानेवाल। Thank you.